बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन ख़ान, आपका दोस्त और आपका भाई। आज बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने कुछ लोगों की नेगेटिव्स कमेंट्स भी देखे। यार इख्तलाफ़ करो, इख्तलाफ़ में कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी नफ़रत तो ना करें ना। एक बंदा मर भी जाए ना तो उसके इतनी नफ़रत तो ना करे, खुदा का खौफ करे यार। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगती हो तो कुछ टाइम के लिए मुझे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि मैं थोड़ा बातें मतलब नेगेटिव माइंड्स देख के तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है। इस बंदे की मौत हुई है यार, अल्लाह जाने और उसका काम जाने, इसके साथ हिसाब किताब अल्लाह ने करना है, आपने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, अल्लाह ने करना है हिसाब। तो आप क्यों टिक सक लो, क्योंकि यार उसके अमल मुसलमान तो था ना, तो मुसलमान के नाते उसको बख्शते यार। अगर आप इतनी नफरत करते हो और उसको जो है ना मौत के बाद भी नहीं छोड़ते, तो ये तो इस्लाम इजाज़त नहीं देते। इस्लाम तो कहते हैं कि यार दुश्मन को भी दोस्त बनाओ। और इसकी मौत हुई कैसी है, इसकी ऐसी हुई है कि अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कुछ ही देर पहले, तो उसमें बताया गया है कि यार इसका जो बाहर जनरेटर पड़ा हुआ था कमरे के बाहर, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। हालांकि जनरेटर का कोई लेना देना नहीं है, जनरेटर बाहर पड़ा था। तो ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह जिसको चाहे मार दे, अल्लाह से किसने पूछना है, अल्लाह तो है, कुछ भी नहीं पूछ सकते, उसकी तो बादशाही है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इतने नफरत भी ना करो कि फिर बंदा मर भी जाए ना तो उसको आप बख्शते नहीं हो। मेरे इस वीडियो बनाने के आप लोगों को बता सकूं कि यार नफरत इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जितना आप लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत किया है। यार इख्तलाफ़ मुझे भी है, सबको है, लेकिन इतना नहीं जितना मैं देख रहा हूँ लोगों का इख्तलाफ़। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह उसको भी बख्शे और अल्लाह ताला हमारी भी नवारे और अल्लाह उसकी भी। आपसे ये गुजारिश थी कि अगर आपको कोई भी इख्तलाफ है, वो मुझे भी है, सबको है, एक दूसरे से सबको अपना अपना इख्तलाफ है, लेकिन नफरत ना करें यार सियासत के नाम पे, मज़हब के नाम पे, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पे, मतलब इतनी नफरत गवारा नहीं। तो अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे और जितने भी मुसलमान फौत हुए हैं अल्लाह सबको सबकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया।